गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके भाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान इतिहास कर रहे हैं और राजस्थान इतिहास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी। तो इसकी तीन क्लासें हो चुकी है, इसी क्रम में आज हमारी चौथी और आखिरी क्लास है। ठीक है, देखो अगर बात की जाए क्रांतिकारियों की तो इसमें आज की क्लास में जो हमारे सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी रहेंगे उनका नाम है हरविलास सारदा। तो आज के पहले स्वतंत्रता सेनानी का नाम हो गया हरविलास सारदा, सारदा एक्ट वाले। ठीक है, अगर बात की जाए इनकी तो अजमेर निवासी, अजमेर के निवासी थे। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे। ठीक है, और इनके बारे में क्या बात ध्यान में रखनी है? तो और इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि बाल विवाह निरोधक विधेयक। ठीक है, बाल विवाह को रोकने के लिए एक विधेयक ये लेकर आए थे। 1927 में इन्होंने उस विधेयक को विधानसभा में रखा, 1929 को विधेयक पास हुआ, 1 अप्रैल 1930 से पूरे भारत में ये विधेयक लागू हो गया। ठीक है, इस विधेयक के तहत लड़के की तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु शादी के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई। अब ये एक्ट लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये एक्ट लाने वाले व्यक्ति हरविलास सारदा थे, इसीलिए पूरे देश के अंदर ये एक्ट सारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये मेन बात हो गई हरविलास सारदा की। ठीक है, तो बाल विवाह निरोधक विधेयक, ठीक है, कौन लेकर आया? तो हरविलास सारदा द्वारा लाया गया। ठीक है, कब लाया गया? तो 1927 में विधानसभा में रखा गया, विधानसभा में रखा गया, 27 में रखा गया, 29 में पास हुआ। तो 1929 में पास हुआ और 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू हो गया। 1 अप्रैल 1930 से पूरे देश में लागू, पूरे देश में लागू हो गया। लाने वाले व्यक्ति कौन है? हरविलास सारदा। तो इसीलिए पूरे देश में सारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, पूरे देश में सारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध, सारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है? तो इस एक्ट के आधार पर लड़के की तो 18 वर्ष, लड़की की आयु 14 वर्ष विवाह हेतु निर्धारित की गई। ठीक है, इसी एक्ट के तहत लड़के की आयु तो 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। किसके लिए? विवाह हेतु। और ये कैसी आयु है? न्यूनतम आयु है कि कम से कम इतने साल के तो होने ही चाहिए, नहीं तो उनकी शादी गैर कानूनी मानी जाएगी। ठीक है, तो 18 वर्ष और 14 वर्ष आप लोग ध्यान रख लेना। हरविलास सारदा के बाद में नेक्स्ट जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका नाम है टीकाराम पालीवाल। ठीक है, तो जयपुर के निवासी थे टीकाराम पालीवाल। हरविलास सारदा कहां के थे? अजमेर के निवासी थे। देखो, क्रांतिकारी और ये जो स्वतंत्रता सेनानी है ये मैंने आपको बहुत ज्यादा डीपली करवाया है, 30 से 40 के करीब मैंने आपको क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी कराए हैं, इसीलिए हमारी 4 क्लासों में जाकर ये टॉपिक समाप्त होगा। ठीक है, तो आप लोग केवल इसी टॉपिक से, मतलब आपको जो नोट्स लिखवाए गए हैं उन्हीं नोट्स से आप लोग तैयारी कर लीजिए, इसके अलावा बाहर जाने की आपको कहीं भी जरूरत नहीं है। गारंटी के साथ में 80 से 90% क्वेश्चनों के बीच में क्वेश्चन जो है एग्जाम में हमारे ही नोट्स में से पढ़ने वाले हैं। देखो, 10 किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, एक ही किताब को आप 10 बार पढ़ो वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, आजमाया हुआ तरीका है,
विश्वास रखिए ऐसे ही सफलता मिलती है। वो लंबा सारा मैटर लेके बैठ जाओगे कुछ नहीं होना। सेलेक्टिव मैटर रखो, सेलेक्टिव स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो, सफलता आपके कदमों में होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन हो गए? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ठीक है, जयपुर निवासी। कहां के निवासी थे? जयपुर के निवासी थे। ठीक है, राजस्थान के लोकप्रिय नेता। ठीक है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, चुनाव द्वारा निर्वाचित हुए भाई ये, ध्यान रखना। और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हमने पहले पढ़ लिया था, हीरालाल शास्त्री थे। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो गए? टीकाराम पालीवाल हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, कब निर्वाचित हुए हैं ये? तो ये निर्वाचित हुए हैं 3 मार्च 1952 को निर्वाचित हुए। ठीक है, तो डेट समय थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान में रख लेना। टीकाराम पालीवाल के बाद में नेक्स्ट जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी आ रहे हैं उनका नाम है दुर्गा प्रसाद चौधरी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे कौन से हैं क्रांतिकारी? दुर्गा प्रसाद चौधरी। दुर्गा प्रसाद चौधरी दुर्गा प्रसाद चौधरी के बारे में मेन मेन बातें की जाए तो अजमेर निवासी। कहां के निवासी थे? अजमेर के निवासी। इनके उपनाम या इनका एक प्रसिद्ध नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है, और वो नाम है कप्तान। ठीक है, इंपोर्टेंट कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आजकल इसी तरह लीक से हटकर थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कप्तान के नाम से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध था, तो कौन है? दुर्गा प्रसाद चौधरी। ठीक है, और अगर इनके बारे में बात की जाए तो एक बात और इनके बारे में ध्यान में रखनी है कि दैनिक नवज्योति समाचार पत्र। ठीक है, इन्होंने दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। कब किया? तो 1936 में। कहां से किया? तो किया अजमेर से। ठीक है, और एक बात और ध्यान रख लेना, दीन बंधु चौधरी के सहयोग से। दीन बंधु चौधरी के सहयोग से प्रारंभ। ठीक है, दीन बंधु चौधरी के सहयोग से यह दैनिक नवज्योति समाचार पत्र जो है वो प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा। दुर्गा प्रसाद चौधरी के बाद में नेक्स्ट जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनका नाम है बलवंत सिंह मेहता। तो नेक्स्ट हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन है? बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ के निवासी थे, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे। इन्हीं के घर पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो नेक्स्ट हमारे स्वतंत्रता सेनानी है बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, मेवाड़ निवासी, मेवाड़ के निवासी थे, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे। यहीं पर याद रख लेना, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वो इन्हीं के घर पर की गई थी। माणिक्य लाल वर्मा तो महामंत्री बने थे और बलवंत सिंह मेहता जो है वो इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और बलवंत सिंह मेहता के बारे में क्या ध्यान रखना है? तो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई थी। संविधान निर्मात्री सभा के ये अध्यक्ष भी रहे। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना है? तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि राजस्थान में पंचायती राज आंदोलन के जनक भी इनको ही कहा जाता है।
ठीक है। तो ये दोनों लाइनें यहां पर इंपोर्टेंट करके लिख लेना कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, ठीक है। और दूसरी बात आप इंपोर्टेंट करके लिख लेना इनकी फिर से कि राजस्थान में पंचायती राज, राजस्थान में पंचायती राज आंदोलनों के जनक, आंदोलनों के जनक भी किसे कहा जाता है, तो बलवंत सिंह मेहता को ही कहा जाता है। बलवंत सिंह मेहता के बाद में नेक्स्ट जो क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी आ रहे हैं उनका नाम है गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन से आ रहे हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं गोपाल सिंह खरवा, ठीक है। खरवा ठिकाने के जागीरदार थे, खरवा ठिकाना पड़ता है अजमेर में, ठीक है। तो खरवा ठिकाने, खरवा ठिकाने, खरवा ठिकाना कहां पड़ता है, अजमेर में, ठीक है। तो खरवा ठिकाने के जागीरदार, और क्या बात ध्यान रखनी है, तो राजस्थान की क्रांतिकारी घटनाओं में उल्लेखनीय योगदान, उल्लेखनीय योगदान दिया। और बात, एक बात और ध्यान रख लेना कि फरवरी 1915 में जो सशस्त्र क्रांति की योजना बनी थी जो फेल हो गई थी, उस योजना के मुख्य कर्ता धर्ता, मतलब मुख्य योजनाकर्ता कौन थे, गोपाल सिंह खरवाई थे, ठीक है। तो ये भी बात आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि फरवरी 1915 की सशस्त्र योजना, सशस्त्र योजना के मुख्य कर्ता धर्ता, मुख्य कर्ता धर्ता यही थे, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो नेक्स्ट जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी आ रहे हैं उनका नाम है मोतीलाल तेजावत, आदिवासियों के मसीहा भी कहा जाता है इनको, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे क्रांतिकारी आ रहे हैं उनका नाम है मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे फेमस क्वेश्चन तो यही है कि आदिवासियों का मसीहा या आदिवासियों का बाबूजी किसे कहा जाता है, तो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनका नाम है मोतीलाल तेजावत। जन्म, मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है वो हुआ है 16 मई 1896 को। कहां हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है कोलियारी गांव, कोलियारी गांव झाड़ोल तहसील उदयपुर में, ठीक है, इनका जन्म हुआ है। इनके उपनाम आपको ध्यान में रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है उपनाम, इनमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला उपनाम आपको ध्यान रखना है आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा, और दूसरा आपको ध्यान में रखना है आदिवासियों का बाऊजी, आदिवासियों का बाऊजी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो इनका संगठन, इन्होंने कौन सा संगठन बनाया, तो इन्होंने बनाया वनवासी संगठन, वनवासी संगठन, ठीक है। आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा था, तो इनके द्वारा चलाया गया आंदोलन था एकी आंदोलन, ठीक है। एकी आंदोलन क्या था उसकी मैं यहां बात नहीं करूंगा, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के अंदर एकी आंदोलन मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाया है, तो अगर आपको देखना हो तो जनजातीय आंदोलन वाली क्लास में जाकर आप लोग आराम से इसको देख सकते हो, ठीक है। अब अगर बात की जाए
कि मोतीलाल तेजावत की मृत्यु कब हुई है, तो इनकी जो मृत्यु है वो हुई है 14 जनवरी 1963 को। इनकी मृत्यु हुई है 14 जनवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ महिला स्वतंत्रता सेनानियों की, ठीक है। तो महिला स्वतंत्रता सेनानी में जो सबसे पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी है उनका नाम है जानकी देवी व्यास, सॉरी जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज। जानकी देवी बजाज की आपको दो तीन बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखनी है कि सेठ जमनालाल बजाज की पुत्री, सेठ जमनालाल, सेठ जमनालाल बजाज की पुत्री थी। दूसरी बात यह ध्यान रखनी कि 1956 में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित हुई, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना है, तो राजस्थान में पद्म विभूषण पाने वाली प्रथम महिला, राजस्थान में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पाने वाली प्रथम महिला, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जानकी देवी बजाज के बाद में नेक्स्ट जो महिला स्वतंत्रता सेनानी है उसमें हम पढ़ेंगे एक 13 वर्षीय बालिका है जिनका नाम है कालीबाई, ठीक है। तो नेक्स्ट जो महिला स्वतंत्रता सेनानी आ रही हैं उनका नाम है कालीबाई, कालीबाई भील, रास्तापाल कांड वाली। तो नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है कालीबाई। जन्म रास्तापाल गांव, जन्म रास्तापाल गांव डूंगरपुर, ठीक है, राजस्थान में साक्षरता की देवी, राजस्थान में साक्षरता की देवी किन्हें कहा जाता है, तो राजस्थान में साक्षरता की देवी जो है वो कालीबाई को कहा जाता है, ठीक है। रास्तापाल कांड हुआ था आप लोगों को सबको पता है 18 जून 1947 को, ठीक है। रास्तापाल कांड में आपको करवा चुका हूं, जो जनजाति आंदोलन है उसी के अंदर मैंने रास्तापाल कांड आपको करवाया है, ठीक है। तो रास्तापाल कांड क्या था, तो आपको पता ही है कि एक राजस्थान सेवा संघ के द्वारा स्कूल संचालित होती थी, स्कूल बंद करने का आदेश देने के बावजूद भी स्कूल को बंद नहीं किया गया, पुलिस ने गोलाबारी करी, उस गोलाबारी में जो नाना भाई खांट है और सेंगा भाई है, नाना भाई खांट जो थे वो स्कूल के जो थे वो प्रधानाध्यापक थे, ठीक है। तो नाना भाई खांट और सेंगा भाई की रक्षा करते हुए, नाना भाई खांट की तो मृत्यु हो गई थी, सेंगा भाई की रक्षा करते हुए कालीबाई शहीद हुई थी, ठीक है। इसीलिए इनको राजस्थान में साक्षरता की देवी कहा जाता है। और इनके बारे में क्या ध्यान रखना है, तो राजस्थान की एकलव्य भी कहा जाता है इनको, ठीक है, राजस्थान की एकलव्य भी इनको कहा जाता है। और आपको क्या ध्यान में रखना है, तो और ध्यान में रखना है कालीबाई का स्मारक, कालीबाई का स्मारक, कालीबाई का जो स्मारक है वो गैब सागर झील, गैब सागर झील के किनारे स्थापित किया गया है, ठीक है, कहां पर, डूंगरपुर में। और रास्तापाल कांड मैं आपको करवा चुका हूं तो यहां पर उसको जिक्र नहीं करूंगा, फालतू में 10-15 मिनट क्लास आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रास्तापाल कांड की खाली मैं डेट लिख देता हूं, रास्तापाल कांड कब हुआ है, 18 जून 1947 को हुआ है, ठीक है। रास्तापाल कांड मैंने जनजाति आंदोलन में बहुत अच्छे से कराया है, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कालीबाई, कालीबाई के बाद में अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट जो क्रांतिकारी आ रही हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका नाम है खेतुबाई। नेक्स्ट हो गई खेतुबाई। खेतुबाई कौन है? तो बीकानेर निवासी, बीकानेर निवासी, ये बीकानेर की निवासी थी। और अगर केतुबाई के बारे में बात की जाए तो आजीवन, आजीवन खादी वस्त्रों में रहने का व्रत लिया, ठीक है, आजीवन खादी वस्त्रों में रहने का इन्होंने व्रत लिया था केतुबाई। केतुबाई के बाद में आपको ध्यान रखना है सत्यभामा, ठीक है, बूंदी की निवासी थी। नेक्स्ट जो स्वतंत्रता सेनानी है उनका नाम है सत्यभामा, सत्यभामा, बूंदी के क्रांतिकारी नित्यानंद सागर की पुत्रवधू, ठीक है, और इंपॉर्टेंट कर लेना गांधी जी की मानस पुत्री, गांधी जी ने इसे इनको अपनी पुत्री का दर्जा दिया था, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। और आपको क्या ध्यान में रखना है? तो वो आपको ध्यान में रखना है अंजना देवी चौधरी, एक आपको ध्यान में रखना है अंजना देवी चौधरी, ठीक है। इनके बारे में क्या बात ध्यान में रखनी है? तो अंजना देवी चौधरी के बारे में बस एक ही बात ध्यान में रखनी है कि किसान आंदोलनों के दौरान, किसान आंदोलनों के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, ठीक है। नाम राम नारायण चौधरी थे ना बेगू वाले, जिन्होंने बेगू आंदोलन का नेतृत्व किया था, उन्हीं राम नारायण चौधरी की ये पत्नी है, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारे जो राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी वाला टॉपिक है वो समाप्त होता है, ठीक है। जो आपको करवाया गया है केवल आप लोग इसी को करिए, इसके अलावा आपको कहीं पर भी बाहर बुक वगैरह को देखने की जरूरत नहीं है, इसी को कर लीजिए, यही इनफ रहेगा, ठीक है। इनको याद कीजिए, इनको रट्टा लगाइए, कदम जो सफलता है वो आपके कदमों में होगी, ठीक है। होप आज की क्लास आपको समझ में आई। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।